Morning to all of you. In this video, I'm going to talk about UNICEF. यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और अभी फिलहाल जो एक गोबी कैंपेन चल रहा है जिसमें कि 4 स्ट्रेटजी अडॉप्ट किया गया है फॉर चाइल्ड हेल्थ रिवॉल्यूशंस, वो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं यूनिसेफ। यूनिसेफ हेड क्वार्टर्स का कहाँ पे है? दैट इज़ यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क। एस्टेब्लिश्ड इन 1966 बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली टू डील विद रिहैबिलिटेशन ऑफ द चिल्ड्रन इन वॉर रैविज्ड कंट्री। तो बेसिकली जो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, दैट इज़ फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ द चिल्ड्रन इन वॉर रैविज्ड कंट्री। साउथ सेंट्रल रीजन में जो यूनिसेफ का अपना रीजनल ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है, और ये जो साउथ सेंट्रल रीजन है वो कौन कौन से एरिया को अपने अंडरटेकिंग में लिया है, दैट इज़ अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इंडिया, मालदीव एंड मंगोलिया। ये क्वेश्चन है ना पोटेंशियल एमसीक्यू बन सकता है। हमें पता है कि यूनिसेफ का जो फॉर्मेशन हुआ, दैट इज़ फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ चाइल्ड, तो ऑल द सर्विस एंड फंक्शंस विल बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द चाइल्ड वेलफेयर। तो सर्विस एंड फंक्शंस में टोटल 4 पॉइंट्स है: चाइल्ड हेल्थ, चाइल्ड न्यूट्रिशन, फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर एंड एजुकेशन। टॉकिंग अबाउट चाइल्ड हेल्थ, तो चाइल्ड हेल्थ को ये तीन तरह से, कोई भी चीज़ ना तीन तरह से चाइल्ड हेल्थ को प्रमोट कर सकता है। एक तो जो वहाँ का वैक्सीनाइजेशन प्रोग्राम है उसको मतलब सपोर्ट करें, है ना। दूसरा क्या करें, जिसके वजह से डिजीज़ हो रहा है, दैट इज़ इन्वायरमेंट, है ना, जो वहाँ का इन्वायरमेंट का वाटर है, जो इन्वायरमेंट का सॉइल है, जो इन्वायरमेंट का फूड है, ठीक है, वो अगर कोई किसी तरह से वो टॉक्सिक है तो उसे वही ठीक करें, है ना। तो वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इट प्रोवाइड सब्सटेंशियल एड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन एंड सीरा इन मेनी कंट्रीज। जैसे कि इंडिया में BCG वैक्सीन प्रोग्राम चल रहा था, तो अभी यूनिसेफ ने इसे सपोर्ट किया था, और इंडिया में इसने और भी दो तीन अच्छे अच्छे काम किए, दैट इज़ हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग पेनिसिलिन प्लांट इन पुणे एंड ऑल्सो इट डोनेटेड DDT प्लांट, ठीक है। बात करते हैं इन्वायरमेंटल सैनिटेशन प्रोग्राम की, तो इट ऑल्सो असिस्ट इन इन्वायरमेंटल सैनिटेशन प्रोग्राम एम्फसाइजिंग ऑन सेफ एंड सफिशेंट वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड हाउस होल्ड। तो इस तरह से चाइल्ड हेल्थ को ये प्रमोट करता है। टॉकिंग अबाउट चाइल्ड न्यूट्रिशन, फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर, यूनिसेफ गिव हाई प्रायोरिटी टू इम्प्रूव चाइल्ड न्यूट्रिशन। तो कैसे भाई चाइल्ड न्यूट्रिशन को इम्प्रूव कर रहा है? बाय सप्लाइंग इक्विपमेंट्स फॉर मॉडर्न डेयरी प्लांट्स इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया, है ना। तो इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर रहा है क्या भाई, जो न्यूट्रिटिव चीज़ है ना उसका प्लांट लगाओ, ठीक है, इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया में। एंड स्पेशल एड इज़ ऑल्सो गिवन फॉर इंटरवेंशन अगेंस्ट न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी डिजीज़। तो जो न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी डिजीज़ है उसके लिए अलग से, है ना, स्पेशल एड यूनिसेफ के द्वारा दिया जा रहा है, जैसे कि विटामिन ए, आयरन फोलिक एसिड टैबलेट्स, है ना, और आयोडीन, ठीक है। तो ये सब एरिया जहाँ पे यूनिसेफ फोकस करता है ना, जो कि मेन कॉज है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़ का। बात करते हैं फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर, द पर्पस इज़ टू इम्प्रूव द केयर ऑफ द चिल्ड्रन बोथ विद इन एंड आउटसाइड द होम। तो इसका पर्पस क्या भाई, हम लोगों को क्या करना है, जो चाइल्ड है ना उसका केयर को इम्प्रूव करना है, घर के अंदर भी, घर से बाहर भी। तो जब तक घर के अंदर है वहाँ पे उसको कौन मदद करेगा? पेरेंट्स। तो क्या क्या भाई, पेरेंट्स के एजुकेशन पे फोकस किया यूनिसेफ। जब घर से बाहर है तो वहाँ पे कौन उसका केयर करेगा? दैट इज़ डे केयर सेंटर। तो डे केयर सेंटर पे फोकस किया, है ना। तो वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है, फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर्स द पर्पस इज़ टू इम्प्रूव द केयर ऑफ द चिल्ड्रन बोथ विद इन एंड आउटसाइड देयर होम्स थ्रू सच मीन्स सच एज पेरेंट्स एजुकेशन, डे केयर सेंटर्स, चाइल्ड वेलफेयर्स, यूथ एजेंसीज एंड वुमेन क्लब्स। टॉकिंग अबाउट चाइल्ड एजुकेशन, दैट इज फॉर्मल्स एंड नॉन फॉर्मल्स, इन कोलाबोरेशन विद यूनेस्को, यूनिसेफ इज असिस्टिंग इंडिया इन एक्सपेंशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग साइंस इन इंडिया। तो बस इसमें और कुछ ज़्यादा लिखना नहीं है ना, यूनेस्को के साथ कोलेबोरेट करके क्या कर रहा है, इंडिया को असिस्ट कर रहा है इन एक्सपेंशन एंड इम्प्रूवमेंट्स ऑफ टीचिंग साइंस इन इंडिया। ये तो हुआ सुनने और सुनाने वाली बात, है ना, जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम आएगा। अब जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज़ गोबी कैंपेन, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसे ऑलरेडी MCQ पूछा जा चुका। तो चलिए देखते हैं। यूनिसेफ ने एक कैंपेन चलाया, उसका नाम था गोबी कैंपेन, ठीक है ना। गोबी क्यों बोलते थे? बिकॉज G फॉर ग्रोथ रेट, O फॉर ओरल रिहाइड्रेशन, B फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, I फॉर इम्यूनाइजेशन। तो ये कैंपेन क्यों चलाया? फॉर चाइल्ड हेल्थ रिवॉल्यूशन, चाइल्ड हेल्थ के रिवॉल्यूशन के लिए ये कैंपेन चला, है ना। तो इसमें जो इम्यूनाइजेशन दिया जाता था, दैट इज़ अगेंस्ट PMT, प्री मेडिकल टेस्ट, P फॉर पर्ट्यूसिस, M फॉर मीजल्स एंड T फॉर टेटनस एंड ट्यूबरकुलोसिस।
और बच क्या गया, डी दैट इज डिथेरिया, है ना। तो इससे क्या हुआ, जो चाइल्ड हेल्थ था उसमें रिवॉल्यूशन आया। उसके बाद क्या गया, क्या किया गया, तीन अलग से फैक्टर को गोबी कैंपेन में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया और उसका नाम रख दिया गया यूनिसेफ गोबी ट्रिपल एफ कैंपेन। ट्रिपल एफ स्टैंड फॉर फीमेल एजुकेशन, फैमिली स्पेसिंग एंड फूड सप्लीमेंट्स। इस पोर्शन से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, तो अभी तक मैंने जितना भी बताया है ना यूनिसेफ में, क्वेश्चन बस यहीं से आया हुआ है। ठीक है, थैंक यू।